राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के मौके पर सीपीपी एक में अनेक कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री बिपुल प्रसाद मिश्रा ने अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों से कहा कि सुरक्षा के नियम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है, सुरक्षा नियमों के पालन को मजबूरी ना समझे। सीपीपी एक परिसर में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह का उद्घाटन श्री बिपुल प्रसाद मिश्रा एवं अन्य बालको अधिकारियों ने किया। श्री मिश्रा ने अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों और उनके परिवारजनों को सुरक्षा शपथ दिलाई। अपने आप को सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूंगा और नियमों, विनियमों तथा कार्यविधियां का पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक अभिवृत्तियों तथा आदतों का विकास करूंगा। कार्यक्रम में श्री मिश्रा ने वर्ष 2009-2010 में सीपीपी एक संयंत्र के दुर्घटना मुक्त रहने पर अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकाकर्मियों को बधाई दी। पिछले साल आप लोग का जो रिकॉर्ड आप बनाए हैं, जीरो लॉस्ट टाइम इंजरी एंड सिक्स इंजरीज एंड जीरो लॉस्ट टाइम इंजरी। लॉस्ट टाइम इंजरी मतलब कोई जाके हॉस्पिटल में रहेगा दो चार दिन, कम से कम तीन दिन के ऊपर, ये अपना जिसका भी फैमिली हो उसका फैमिली के लिए बहुत दुखदायक चीज़ होता है। आप लोग बहुत कमिटमेंट किए हैं, बहुत कुछ काम एरिया में आप लोग जो काम कर रहे थे उसको और अच्छी तरह से काम किए। करने के बाद एक मतलब लास्ट साल ऐसा आया कि आपका एक भी लॉस्ट टाइम इंजरी नहीं हुआ, कोई भी तीन चार दिन जाके हॉस्पिटल में कोई बैठा नहीं। आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि ये साल आप लोग प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे कि ये साल आप जीरो इंजरी लाइए। मतलब ये साल ऐसा करते हैं कि मतलब आप लोग अपने आप में इतना कमिटमेंट दीजिए कि पूरा साल बीत जाएगा लेकिन कोई भी इंजरी नहीं होगा। ऊर्जा व्यवसाय प्रमुख श्री इंद्रनील दत्ता, सीपीपी एक एवं सीपीपी दो प्रमुख श्री गट्टू रामभाव, औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण महाप्रबंधक श्री पी के भाटिया ने सीपीपी एक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के निरंतर योगदान से संयंत्रों को दुर्घटना मुक्त बनाए रखने का लक्ष्य पाया जा सकता है। अपने स्वागत उद्बोधन में सीपीपी ए के प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रमुख श्री पंकज शर्मा ने संयंत्र की उपलब्धि का श्रेय अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को दिया। औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण सह महाप्रबंधक श्री अविनाश कुमार ने वर्ष 2009-2010 की सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने वर्ष 2010-2011 की सुरक्षा रणनीति से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में श्री मिश्रा ने सेफ्टी डेमो किट का उद्घाटन किया। सुरक्षा सहप्रबंधक श्री नोबेल अरुजा ने सेफ्टी डेमो किट में मौजूद निजी सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग की जानकारी कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को प्रदान की। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान किट का इस्तेमाल सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। 1-6 मार्च तक आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों और उनके परिवारजनों के लिए सुरक्षा पोस्टर, नारा, कविता और सुरक्षा प्रश्नोत्तरी स्पर्धा आयोजित की गई, जिनके विजेताओं को श्री मिश्रा, श्री दत्ता, श्री भाटिया और श्री अविनाश कुमार ने पुरस्कार प्रदान किए। और सेकंड कॉन्सोलेशन शारदा देवांगन, दूसरा प्रकाश कृष्ण कॉन्सोलेशन प्राइज फॉर सेफ्टी स्लोगन कॉम्पिटिशन। सीपीपी एक के अनुरक्षण प्रमुख श्री पंकज जैन ने आभार जताया।